हेलो फ्रेंड्स, आई मैं आर्णव बजरिया मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से आया हूँ। अब लोग कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हो गए। तो इंग्लिश का चैप्टर चैप्टर नहीं है, ये यूनिट 4 क्राइंग चैप्टर आज पढ़ने आया हूँ। तो फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्राइंग ओनली ए लिटिल बिट is no use, you must cry until your pillow is soft. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. To next place mein hai. To next place. Then you can throw open your window and ha, 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 ha. And if people say, hey, what going on up there? Ha, ha, sing back. Happiness was holding in the last year. I wept it, ha, ha. तो ये पोएम खत्म हो जाता है। तो इसका पोएट है गलवे किनेल। तो नेक्स्ट पार्ट में ये है न्यू वर्ड में है सॉक का मतलब है कम्प्लीटली वेट, और सावर का मतलब है बाथ इन विच वाटर इज स्प्राइड फ्रॉम अबोव। कोई कोई के घर में है सावर। वेप का मतलब है सेड टेयर क्राइड। तो ये खत्म होता है यहाँ पे, रिसेप्टर खत्म होता है ये। तो बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलता हूँ। बाय बाय। तो वीडियो को अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। बाय बाय।